उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जोशीमठ के जैसे हालात, मस्तड़ी गांव में कई घरों में आई दरारें, लैंडस्लाइड के कारण घरों में तेजी से बढ़ रही है दरारें। मस्तड़ी गांव के करीब 30 घरों में ताजा दरारें देखने को मिली। घरों में दरारें आने से लोग चिंतित, प्रशासन से तत्काल सुरक्षा के इंतजाम की मांग की। लखनऊ में गोखले मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बना बड़ा गड्ढा, सीवर लीकेज की वजह से धंसी सड़क, कोई हताहत नहीं। भारी बारिश की वजह से लखनऊ में इमारत का एक हिस्सा गिरा, आसपास के कई मकानों को खाली कराया गया। निर्माणाधीन मकान में खुदाई की वजह से गिरा मकान का हिस्सा। लखनऊ में चिरैया बाग अंडरपास के पास हादसा, नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के रोहतास में सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने की कवायद जारी। 28 ट्रकों में से अब तक 12 ट्रकों को निकाला गया, अब भी 16 ट्रकों को निकालने का काम जारी। लखनऊ में सड़क पर बने गड्ढों पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जनता पूछ रही है सड़क पर गड्ढे से बचें या सांड से, यही डबल इंजन है क्या। शिमला में बारिश के बाद छाई धुंध, पहाड़ों पर हर तरफ नजर आ रही धुंध की सफेद चादर, बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहावना। उत्तराखंड के मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, देहरादून मार्ग पर आया मलबा तो लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के वार्ड में घुसा बारिश का पानी, वार्ड के अंदर करीब 2 फीट तक जल जमा तो कई जगहों पर लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, कई घरों और दुकानों में पानी घुसा, जगह जगह जल भराव से लोगों को हो रही परेशानी। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, इमारत का एसटीपी प्लांट ढहा, शहर में जगह जगह जल भराव, अंडरपास भी हुए पानी से लबालब। यूपी के फतेहपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवतियों समेत 4 की मौत, 5 लोग बुरी तरह से झुलसे, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। यूपी के बागपत में बारिश के पानी में बह गया 5 साल का बच्चा, नाले में पानी बढ़ने से हादसा हुआ, बच्चे की तलाश के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग पर गए 27 लोगों के दल में से एक ट्रैकर की हुई मौत, भागीरथी टॉप में एवलांश आने के कारण टीम के एक सदस्य की मौत, 22 जून को ट्रैकिंग पर गया था दल। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सचिन पायलट समेत कांग्रेस की मीटिंग में राजस्थान के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे शामिल। कांग्रेस की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन माना जा रहा है कि गहलोत अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, वहीं पायलट गहलोत सरकार की खामियों को बता सकते हैं। कांग्रेस के लिए गहलोत और पायलट चिंता का विषय बना हुआ है, मई के आखिर में दोनों को लेकर बैठक की गई थी, लेकिन सचिन पायलट की मांगों को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर पायलट ने अप्रैल में गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा भी की थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि आज होने वाली बैठक में सिर्फ चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और इसमें सभी नेताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट फिर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहती है। कांग्रेस चुन सकती है बीच का रास्ता, हो सकता है सचिन पायलट को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया जाए, या फिर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में कोई उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है, इस वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव में उतरेगी, गहलोत सरकार में हो सकता है फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक गहलोत और पायलट को साथ आना कांग्रेस के लिए मुश्किल, लेकिन राजस्थान में दोनों के साथ आने पर ही चुनाव जीत सकती है कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी विवाद के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को देंगे नई सौगात, गहलोत ने ट्वीट कर लिखा जल्द बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर को लेकर एनसीपी विधायकों ने तय किए अपने अपने गुट, अजीत पवार के साथ 32 विधायक, शरद पवार के साथ 18 विधायक, अब भी 3 विधायकों का रुख साफ नहीं। एनसीपी के शक्ति प्रदर्शन में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी, अजीत पवार ने खुद को बताया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी गई, पत्र में अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने की जानकारी दी। शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर होगा मंथन, शरद पवार के अलावा सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद भी रहेंगे मौजूद।
अनिल देशमुख का अजीत पवार की शरद पवार पर टिप्पणी पर बयान, का 82 साल का शेर अब भी जिंदा है। बुधवार को पवार गुट की तरफ से हुए शक्ति प्रदर्शन में बोले देशमुख। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, कहा देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही कहा है एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। चंद्रशेखर बोले वे अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम आवास पर बैठक बुलाई, आगामी चुनावों को लेकर मंथन हुआ। मंत्री उदय सामंत ने एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। कल से शुरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी के कई राज्यों के दौरे, छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान में पीएम के कार्यक्रम, 36 घंटे में 5 शहरों में 12 से ज्यादा कार्यक्रम। राज्यों को कई योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ से यात्रा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। 7 जुलाई को यूपी के गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी, वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, 32 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, बुधवार शाम को एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ देर रात तक मीटिंग हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज वाराणसी दौरा, पीएम मोदी के 7 जुलाई को होने वाले दौरे की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे तैयारियों की समीक्षा। आज रायपुर जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, एमबीबीएस और नर्सिंग के छात्रों से संवाद करेंगे, शिक्षकों और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक, मानसून सत्र के पहले अनियमित कर्मचारियों पर हो सकता है बड़ा फैसला। आज यूपी के अमेठी दौरे पर जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जगदीशपुर विधानसभा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, हिंसा में अब तक 16 की मौत, प्रदेश में 8 जुलाई को होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान। हरसिमरत कौर बादल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं के बीच आज अकाली दल की बैठक, पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहेंगे, बीजेपी से गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरेंगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस बोली महंगाई से आम आदमी है त्रस्त। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन को भेजी राय, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया। समान नागरिक संहिता पर बोले बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित के लिए आवश्यक, का देश एक कानून से चले उसके लिए यह बिल लाना जरूरी। यूपी सरकार ने लगाई 26 आईएएस अफसरों की स्पेशल ड्यूटी, मोदी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए ड्यूटी लगाई, 8 जुलाई तक अलग अलग जिलों में जाकर तैयार करेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल सेवा योजना कार्यक्रम में हुए शामिल, भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को बांटे किट, 101 बच्चों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। असम कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर, 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने वाले छात्रों को स्कूटर देने की घोषणा, 9वीं के छात्रों को साइकिल देने को मंजूरी। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, कहा राहुल गांधी राहत प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए मणिपुर गए थे, इससे पहले राष्ट्रीय कद के किसी भी नेता ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। राहुल गांधी ने साझा किया मणिपुर दौरे का वीडियो, राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, वीडियो में बताई मणिपुर की तस्वीर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई ने 2 बार कहा आरोप के खिलाफ कोई सबूत नहीं। पार्टी के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष लालू यादव, मोच परिभाषा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए भोजपुरी में कहा ज्यादा जुल्म नहीं करना, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। लालू यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जिस पर चाहे मुकदमा कर देते हैं, हम लोग तो फूल माला बेचकर भी जी लेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा में उल्टा पड़ गया है ऑपरेशन लोटस, पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के 29 नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में बेघरों को जमीन देने के बहाने कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, बाहरी लोगों को यहाँ बसना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा हुई, साथ ही मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी बात हुई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर भाई पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर बोला हमला। कहा चिराग ने जमुई के लोगों को धोखा दिया, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गायघाट में जेपी गंगा पथ के पास निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस नए पथ के निर्माण से छपरा और हाजीपुर आने जाने के लिए सुगम होगा रास्ता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज हिमाचल के हमीरपुर दौरे पर जाएंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी लड़के पर पेशाब करने वाली घटना के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर। घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रवेश शुक्ल ने मानवता को कलंकित किया, आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश शुक्ला के घर के एक तिहाई हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। परिवार ने आरोप लगाया कि वीडियो बहुत पुराना है, कांग्रेस ने जानबूझकर अभी वारंट करवाया। सीधी की घटना के पीड़ित और उसके परिवार से शिवराज आज करेंगे मुलाकात। भोपाल में सीएम हाउस में मुलाकात होगी। कांग्रेस ने भी 4 सदस्यों के जांच दल को सीधी भेजा। मध्य प्रदेश के सीधी में कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पहुंचे फरियादी के घर, पीड़ित के परिजन से करेंगे मुलाकात। धरने में शामिल फरियादी अब तक घर नहीं पहुंचा। पूरे आकार में नजर आ रहा बाबा बर्फबारी का हिमलय, पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई लंगर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं का उपलब्ध करवाया जा रहा है निःशुल्क भोजन। अमरनाथ यात्रा मार्गों पर निगरानी के लिए बनाया गया कमांड कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर से यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं की रखी जाएगी निगरानी। हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से की कांवड़ यात्रा के दौरान सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील। मानसून के सीजन आते ही केदारनाथ धाम में कम होने लगी तीर्थ यात्रियों की संख्या, कल से 3,464 यात्रियों ने दर्शन किए, अब तक 11,16,709 तीर्थ यात्री पहुंचे हैं केदारनाथ। जोधपुर में सैनिक स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत, टीचर पर बच्चों को वॉशरूम का गंदा पानी पिलाने का आरोप, बच्चों का टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट में से घबराया है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जम्मू में एलओसी पर रची नई साजिश, राजौरी और पुंछ से सटी सीमा पर हाई फ्रिक्वेंसी मोबाइल टावर लगाए। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख रुपए कीमत की 1000 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, विस्फोट की आड़ में चल रहा था धंधा। मुरादाबाद में एसएसपी ने किया दरोगा को लाइन हाजिर, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप, शिकायत के बाद दरोगा पर हुआ एक्शन। ओडिशा के संबलपुर में मेडिकल कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, मेडिकल फेस्टिवल के दौरान घटना हुई, कॉलेज में तनाव का माहौल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुनीर आलम नाम के शख्स ने यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया, पीएफआई की एडहॉक कमेटी का सदस्य है मुनीर आलम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अमानवीय व्यवहार, छेड़छाड़ के आरोपी के चेहरे पर पोती काली, खजूतों की माला पहनाकर लोगों ने निकाला जुलूस, 7 लोगों पर केस दर्ज। नोएडा अथॉरिटी में सामने आई 200 करोड़ की धांधली, प्राधिकरण के अफसरों ने किसी दूसरे के बैंक खाते में जमा कर दिए 200 करोड़ रुपए, एफडी कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा। गर्भ में भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर याचिका, याचिका में कहा गया कि देश के कई इलाकों में लिंग अनुपात का बुरा हाल। नोएडा के निठारी कांड मामले में आज भी होगी सुनवाई, मनिंदर सिंह पंधेर की सजा के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई, सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने फांसी और उम्र कैद की सुनाई है सजा। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई, बुधवार को गवाह के न आने से चलते टली थी ये सुनवाई, साक्ष्य के तहत होनी है गवाहों की गवाही। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में चूहों का आतंक, चूहों ने कई मरीजों के पैर में काटा, अस्पताल के 2 कर्मचारियों को हटाया गया। नवादा के अस्पताल में बिजली की किल्लत के चलते मरीज परेशान, मोबाइल का रोशनी में मरीज का इलाज हुआ, शौचालय में भी नहीं आ रहा पानी। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जमीन पर बैठे नजर आए कलेक्टर, जमीन पर बैठकर सुनी किसानों की समस्याएं, वीडियो वायरल हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान, टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई, टीम में शुभम गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को जगह मिली। वरुण धवन, जानवी कपूर की फिल्म बवाल 21 जुलाई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी, प्राइम वीडियो ने बुधवार को घोषणा की।